आज मैं आपके सामने दाल का पराठा बनाने जा रही हूँ। इसमें हमें चने की दाल की ज़रूरत पड़ेगी। इसको 250 ग्राम मैंने ये दाल ली है और इसको पानी में सोक करते हैं। 2-3 घंटा आप इसको सोक करिए, फिर उसके बाद इसको बॉईल कर लीजिएगा 5-10 मिनट। और इसके बाद इसको सूखा सूखा, मतलब बहुत ज़्यादा पानी डाल के बॉईल नहीं करना है, हल्का पानी डालिएगा और ये बॉईल हो जाएगी। फिर इसको आपको पीसना है, पीस के आपको रख लेना है। और उसमें जो पिसी हुई दाल है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो प्याज है, 1 कोटी प्याज है, 2-3 हरी मिर्च है और थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया, और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें हमारी उस दाल में जाएंगी। और ये मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ है, मैंने मीडियम आटा गूंधा है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम है। ये मैंने आटा गूंथ के रख लिया है। अभी मेरी दाल सोख हो गई थी और मैंने एक पैन ले लिया, उसमें ये दाल डाली है। 5 मिनट हम इस दाल को बॉईल करेंगे, गैस ऑन कर देते हैं। 5 मिनट तक हम इस दाल को बॉईल करेंगे। जब एक बार बॉईल आ जाएगा तेज़ आंच में, फिर इसको हम धीमी स्लो सिम कर देंगे और फिर बॉईल करेंगे। जब तक मेरी ये दाल बॉईल हो रही है, आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, प्लीज़ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दाल पीस ली है, बहुत फाइन नहीं पीसी है, थोड़ा सा दरदरी दाल जो है इसको पीसना है। और अब एक हम बोल ले लेते हैं, उसके अंदर हम इस दाल को डालेंगे। ये दाल डाली और फिर उसके बाद हम इसमें ये सारी चीज़ें, जो प्याज है ये, और ये जीरा पाउडर, और ये रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर भी डाल देना है, और ये धनिया पाउडर भी डालना है साथ में, और ये रेड चिली, ग्रीन चिली पाउडर, ग्रीन चिली कटी हुई। ये सारी चीज़ें हमें डाल के बोल में, और इसको हम स्पून की सहायता से इसको मिला लेंगे। साइड में करके रख देते हैं। अब हम एक चकला लेंगे, ले लेंगे। अब मैंने ये चकला ले लिया है और मेरे ये आटा है और ये दाल वाला स्टफिंग है, और इसमें से अब हम एक पेड़ा लेंगे, इसको पेड़ा लेंगे, थोड़ा पड़ा लेना है। और मैं आपकी गैस भी ऑन कर देती हूँ। उसके बाद मुझे इस पेड़े को ऐसे करना है, इसमें थोड़ा सा खुश्की लगानी है आटे की, और फिर इसके बाद स्टफिंग भर दी इसमें, खूब अच्छे से आप इसमें स्टफिंग भरिए, और इसको हम अलग रख लेंगे। फिर एक पेड़ा लेना है बड़ा सा, फिर इसको मुझे फूल करना है इस पेड़े को, फिर इसको ऐसे फूल बना के खुश्की लगाऊंगी थोड़ा सा, फिर इसको ऐसे करूंगी राउंड 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 राउंड,
फिर इसमें मैं स्टफिंग भरूंगी, अच्छे से स्टफिंग भरनी है। आप डरिए मत, आराम से स्टफिंग भरिए, ज़्यादा फटेगा नहीं, क्योंकि अगर हम तरीके से बनाएंगे तो नहीं फटेगा, और अगर थोड़ा बहुत फट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, खाने ही तो है। इसको देखिए, मैंने ये दो पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब मैं ये स्टफिंग हटा देती हूँ और अब मैं इसकी खुशबू बनाऊंगी इस पेड़े में। अच्छे से खुशबू लगा ली मैंने। अब हम इसको बेलेंगे एक बेलन की मदद से। अब हमें इसको बेलना है, ऐसे ऐसे फूल बेलना है। अब मैंने एक तवा ले लिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे, ऑयल लगा के तो मैं ये वाला टमाटर जितना बताया था मैंने ये मैं इसको कर दूंगी और फिर इसको पलटूंगी। फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ये मैं देसी घी ले रही हूँ, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी का पराठा बहुत टेस्टी होता है, तो आप देसी घी डालिए तो वह टेस्टी आपका पराठा बनेगा। ये देखिए, एक तरफ मैंने थोड़ा सा सेक दिया है, दूसरी तरफ से भी सेकेंगे, फिर और इस तरफ से भी थोड़ा सा और सेक लेंगे। ये देखिए मेरा कितने अच्छे से ये पराठा सिक गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा बेलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरा पराठा तवे पे गया। अब इसको भी वही करना है जो ऑयल लगाना है, थोड़ा सा इधर लगा लेते हैं, जो उस साइड में लगाएंगे ऑयल मतलब घी, देसी घी लगा के इसको सेक।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये वाला भी पराठा सेक गया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पराठे रेडी हो गए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। अब इसको हम अचार, मिर्चे के अचार के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पराठे मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखिए दाल की स्टफिंग के साथ ये मेरे पराठे हैं, मैंने इसको कट कर लिया है और इसके साथ मैंने मिर्चे का और आम का अचार रखा है। बहुत ही टेस्टी आपको ये पराठा लगने वाला है, आप इसको बनाइएगा और मुझे इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, ताकि मैं आगे भी, मेरी हिम्मत बढ़े और मैं आगे भी और रेसिपीज़ बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। मैं आपके साथ बहुत सारी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ शेयर करूंगी और इसके लिए थैंक यू, गुड नाइट एंड धन्यवाद।